नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। NMC ने एक ड्राफ्ट जारी कर रखा था, उसमें स्पष्ट दे रखा था कि आप आउट ऑफ इंडिया से MBBS करके अगर इंडिया आते हैं तो आपको जो FMG का एग्जाम होता है वो 2 अटेम्प्ट या 2 ईयर में पास करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कारणवश दोस्तों वो एग्जाम पास नहीं कर पा सकते तो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इस प्रकार की तमाम न्यूज़ दोस्तों आप सोशल मीडिया पे काफ़ी न्यूज़ चैनल पे देख चुके होंगे, लेकिन पहले इसके खिलाफ काफ़ी स्टूडेंट थे, पेरेंट्स थे, काफ़ी सेलिब्रिटियाँ भी, और इसके अलावा दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन और फिल्म अभिनेत्री सामने आ रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी MP MLO ने पहले काफ़ी लेटर्स लिखे हैं, लेकिन उनका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आ पाया सही तरीके से। अभी हमारी मथुरा की सांसद श्री हेमा मालिनी जी ने भी एक NMC के जो चेयरमैन साहब हैं उनके लिए लेटर लिखा और उसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि अभी देश में कोरोना की स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है, तो आपको जो लाखों बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं उनको इमीडिएटली पोस्टिंग दी जाए, जिससे कि वो इस भीषण समय में देश के काम आ सके और इससे कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने दोस्तों स्पष्ट NMC से रिक्वेस्ट की और वो स्टूडेंट के पक्ष में खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो FMG का आपने 2 अटेम्प्ट का ये ड्राफ्ट जारी किया, इसको वापस लिया जाए और स्टूडेंट के लिए अनलिमिटेड चांस दिए जाएँ। दोस्तों आपको पता ही है क्या स्थिति चल रही है। पहले सबसे पहले कर्नाटक इसमें सामने आया, उन्होंने जितने भी विदाउट FMG एग्जाम क्लियर स्टूडेंट्स को पोस्टिंग देने का प्रावधान रखा। उसके बाद केरला भी सामने आया है। अब दोस्तों गुजरात में उन्होंने पार्टिकुलर व्यक्ति या पार्टिकुलर स्टूडेंटों को परमानेंट तो पोस्टिंग नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि 3 महीने के लिए जितने भी बेरोजगार और उनसे FMG एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए उनको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको 3 महीने के लिए पोस्टिंग दी जाएगी और वो गवर्नमेंट में सेवा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ स्टेज ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि जिस हिसाब से भीषण और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही स्थिति, ये बहुत कम लग रहा है। धीरे धीरे सभी स्टेटों को सामने आना चाहिए और इस महामारी को कंट्रोल में करना चाहिए। काफ़ी देश हैं जो इससे पहले बिल्कुल उनमें कोरोना की स्थिति बहुत कम हो गई, लेकिन अब वो बोलबाला जो पहले उन कंट्रियों में देखा जा रहा था वो इंडिया में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसको नॉर्मल लेवल पर ना लेके इसमें हर तरीके से अपना सहयोग दे के इस देश को बचाना है। तो दोस्तों ये वीडियो में श्री हेमा मालिनी जी को डेडिकेट करने के लिए बनाई है। उन्होंने स्टूडेंट के पक्ष में आके सीधा लेटर लिखा है और योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया कि इन स्टूडेंट के लिए पोस्टिंग दी जाए इमीडिएटली और इसके अलावा FMG के ड्राफ्ट को वापस किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी पॉलिटिशियन या फिर वो अच्छे अच्छे पद पे और उनकी अप्रोच हैं वो भी अपने लेवल पर कुछ कार्रवाई करें, जिससे स्टूडेंट में आपका एक भरोसा बना रहे और आप स्टूडेंट का हित और उनका कैरियर को बचा के उनका सहयोग कर सकें। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।